नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का हमारे साईं बाबा इन्फोटेक चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच एक अच्छी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। यहां पर आप अपने स्क्रीन पर एमपी ऑनलाइन का पोर्टल देख सकते हैं। यहां पर कलेक्टर शाजापुर में एक वैकेंसी निकाली गई है। ऑफिस असिस्टेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर की ये वैकेंसी को निकाला गया है। कॉन्ट्रेक्चुअल ये पोस्ट है जिसके लिए आप 4 जून से लेकर 12 जून तक अप्लाई कर पाएंगे। इसका नोटिफिकेशन भी यहां से आपको मिल जाएगा। इस नोटिफिकेशन को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। सहायक कार्यालय सह डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा के पद पर वैकेंसी निकाली गई है। 4 जून 2020 के इस ऑर्डर में 3 पदों पर इस वैकेंसी को निकाला गया है, जिसके लिए आपके पास सिर्फ 3 दिन का समय है, जिसमें से एक दिन जा चुका है। मतलब 10 जून 11 जून और 12 जून तक ही आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसके लिए आपके पास 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ मैप आईटी के द्वारा सीपीसीटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए, जिसमें कंप्यूटर दक्षता तथा हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग के दोनों सेक्शन में क्वालिफाइड होना अनिवार्य है। साथ ही साथ ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए निकाली गई है। बात करें चयन प्रक्रिया की, तो इसमें किसी भी तरह का ना तो एग्जाम होगा और ना ही कोई इंटरव्यू होगा। सिर्फ आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आपका जो सीपीसीटी में स्कोर है, उस स्कोर के हिसाब से ही आपकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका चयन किया जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ बातें ध्यान रखना होगा। सबसे पहले बात तो ये है कि ये कोई परमानेंट भर्ती नहीं है, ये सिर्फ संविदा भर्ती है जो सिर्फ एक वर्ष के लिए मान्य होगी। और अगर एक साल में आपका काम अच्छा रहता है तो सरकार चाहे तो एक वर्ष के लिए और एक्सटेंशन कर सकती है। इसके अलावा मेरिट लिस्ट के बाद आपका फाइनल नाम सिलेक्ट होगा तो आपको एक सप्ताह का समय दिया जाएगा, जिसमें जिला मेडिकल बोर्ड के द्वारा आपको एक हेल्थ का सर्टिफिकेट बनवाना होगा और कलेक्टर शाजापुर के ऑफिस में जाकर अपनी ज्वाइनिंग लेनी होगी। सीट्स और सैलरी की बात करें तो आपको हर मंथ 22,770 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। टोटल 3 पद हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें एक अनारक्षित के पद हैं, एक अनुसूचित जनजाति के लिए है और एक अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी कैटेगरी के लिए है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां पर क्लिक करके आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो में बताई गई जानकारी से समझ आ गया होगा। अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो नीचे वीडियो में कमेंट करके हमें बता सकते हैं और इसी तरह की यूजफुल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।